फिल्म को देखने से पॉलिटिकल एंगल चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये यथार्थ तो सबको पता है, सबकी आंखों के सामने, लोग देख नहीं रहे हैं कि राहुल गांधी क्या है, उनकी माता जी क्या है, हम लोग देख नहीं रहे हैं वीडियो किस तरीके से बदतमीजी के साथ पेश आती थी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उन पर एक फिल्म बनी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, क्या कहेंगे, सचमुच में वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे? वो तो अभी आया ना हाल में, उन्होंने खुद ही माना था कि मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हूँ जी। वो कहीं कोई किसी किताब का बुक लॉन्च था जी, हमारे ख्याल से प्रणब मुखर्जी कोई किताब का बुक लॉन्च था, उसके अंदर उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि मैं तो एक्सीडेंटली बन गया। सीनियर तो प्रणब मुखर्जी थे। ओके, और क्यों बन गए वो एक्सीडेंटली, उसका भी कारण रहा होगा। प्रणब मुखर्जी शायद उतने प्लायबल नहीं होते खानदान के लिए जी, क्योंकि ये खानदान की सेवा बड़े ही अलग तरीके से शुरू से ही करते रहे हैं जी। ये सोनिया का ही की सेवा नहीं की है इन्होंने, इन्होंने पहले इंदिरा गांधी, हमारे ख्याल जवाहरलाल नेहरू के टाइम से जो है जुड़े रहे हैं, गवर्नर भी रहे, लेकिन उसके पहले जवाहरलाल नेहरू के टाइम से जुड़े रहे हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर, वो सब कुछ, और पारिवारिक दृष्टि से भी बड़ा इनका अलग संबंध रहा है। तो ये पुराना इनका संबंध है, लोग जानते हैं कि कितने प्लायबल हैं, जो कहा जाएगा ये करेंगे, इसलिए उनको बनाया गया था जी। क्या कहेंगे इस फिल्म को देखने के बाद, जो एक पॉलिटिकल जो है एंगल चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ लगता है? फिल्म को देखने से पॉलिटिकल एंगल चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये यथार्थ तो सबको पता है, सबकी आंखों के सामने, लोग देख नहीं रहे हैं कि राहुल गांधी क्या है, उनकी माता जी क्या है, हम लोग देख नहीं रहे हैं वीडियो किस तरीके से बदतमीजी के साथ पेश आती थी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ, जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और वो धक्का दे के आगे बढ़ जाती थी, उनके सिक्योरिटी वाले लोग जो है, मतलब कि जहाँ बैठने की जगह होती थी प्राइम मिनिस्टर को वहां से उठा के दूसरी जगह बिठा देते थे, इनके लिए जगह बनाते थे और चुपचाप ये अपना उसको करती थी स्वीकार। ओके, सम्मान थोड़ी करती थी, इनको तो अपने घर के नौकर की तरह मान के सब चलते हैं। ओके, तो अब क्या, वो तो स्पष्ट है, इसमें एकदम क्लियर कट है कि उससे ज्यादा कोई इन लोगों का महत्व नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी में परिवार, और परिवार में अगर इस समय सोनिया है और सोनिया के बेटे हैं, उनकी बेटी हैं, और फिर उनके जो पोते हैं, इनको छोड़ के और किसका महत्व हो सकता है? और कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां कोई महत्व हो, यही साबित होता है इस फिल्म के अंदर। ओके, तो ये चीज जो है बहुत ही सटीक और सही तरीके से प्रस्तुत की गई है। लेकिन चूंकि संजय बारू जो है अपने बॉस के बारे में लिख रहे हैं, तो उसके बारे में बहुत क्रिटिकल नहीं हो सकते थे जी। उन्होंने अपने बॉस के बारे में अच्छी ही बातें कही, कोशिश की है बताने की, देखिए बड़े महान थे लेकिन इस परिवार ने इनकी महानता को नीचा कर। संजय बारू जो फिल्म के लेखक है, जो किताब, जो किताब के लेखक है, तो चूंकि वो उन्हीं की उसी किताब के ऊपर बेस्ड है, तो उन्होंने उनको बुरे लाइट में नहीं प्रस्तुत किया। लेकिन और भी यथार्थ है, मनमोहन सिंह का भी जो बैकग्राउंड है, खुद ना भल रहे हो भ्रष्ट, यही हम सब लोग मान के चलते हैं कि खुद स्वयं भ्रष्ट नहीं थे, लेकिन भ्रष्टाचार के दुनिया भर के केसेस, केवल पिछली सरकार में नहीं, यूपीए सरकार में ही नहीं, नरसिम्हा राव के टाइम में भी जो है भ्रष्टाचार के जो केसेस हुए, जिसमें हर्षद मेहता का कांड हुआ, जिसके अंदर जो है स्टॉक मार्केट जो एक बार लुढ़का तो लुढ़का रहा, 7-8 साल तक लुढ़का रहा, जब तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं आई और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट ऊंचा उठना नहीं शुरू हुआ, तो इन सारी चीजों में जो है मतलब कि वो रहे थे। आपको क्या लगता है ये जो चुनाव का साल है, अब जनता क्या करेगी, मतलब उनको किस हिसाब से अपने नेता को चुनना चाहिए? जनता के सामने साफ सब कुछ स्पष्ट है, नेता को क्या चुनना है, नेता चुना हुआ है, और नेता ने 5 साल तक जो है, मतलब 4.5 साल तक उस नेता ने एक जबरदस्त सरकार चलाई है, सारी समस्याओं के बावजूद जो है इस देश को आगे लेके गया है, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है उस आदमी ने, जो जो कदम उसने उठाए हैं, अब धीरे धीरे जो है जमीनी अस्तर का भी भ्रष्टाचार जो है GST के आने के बाद खत्म हुआ है जी। सब लोग ये जान रहे हैं, विकास के नई ऊंचाइयां देश छू रहा है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग ये सब मेट्रो जी। 1.5 साल के अंदर जो है ये मेट्रो जो हमने देखा है, 10 मेट्रो लाइनें यहाँ बंबई में बन गई हैं जी। यहाँ कल्पना नहीं कर सकते थे आप किस तरह का विकास जो है मतलब कि कभी होगा बंबई के अंदर, मेरी कल्पना से तो बाहर था। इसके बावजूद कि इसके विकास को रोका गया, फिर भी कितनी तेजी से काम हुआ है और ईमानदारी से काम हुआ है। कोई बोले मुझे एक बार, जो जरा कोई मुझे बता के बोल दे, जन बात बोल रहे थे हमसे भ्रष्टाचार, एक कोई एग्जाम्पल दे दो आप कि इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का, एक कोई एग्जाम्पल कोई देके बताए, एक कोई खड़ा होकर कहते कि साहब हमने घूस दिया और अपना काम कराया। लेकिन कई सारे रफाल भी तो है, रफाल भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल है। रफाल तो सबसे बढ़िया, मैं बोल रहा था से कि सबसे ईमानदार इस देश की जो पहली डील हुई है डिफेंस की जी, जिसके अंदर कोई बिचौलिया नहीं है, जो एकदम सही डील हुई है, वो रफाल की डील हुई है।
देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। चलिए, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है ये, सबसे बढ़िया सबसे ईमानदार डील हिंदुस्तान के इतिहास में डिफेंस की हुई है। नहीं तो हिंदुस्तान की हर डिफेंस डील बेईमानी वाली डील हुआ करती थी और परिवार को उसका पैसा जाता था। ये सारे बिचौलिए जितने एजेंट हैं, खासतौर से जो आम से एजेंट हैं, सबके सब जो है उनकी गोदी में बैठे रहते थे। सर, क्योंकि बहुत सारे यूथ है ना, यू नो, कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम किसे वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आपको क्या लगता है कौन सा सही तरीका रहेगा जिसके वजह से लोग जानेंगे? जिस नौजवान के पास दिमाग है और जो दिमाग नौजवान सोच सकता है इस देश के बारे में, उसके दिमाग में कहां से कंफ्यूजन आएगा? जो समझ सकता है, पढ़ सकता है, देख रहा है सब कुछ। लेकिन ज्यादातर तो हमारे देश की जो जनता है उन्हें तो आम लोग है ना, आम लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है योगी सरकार जो है भयंकर बहुमत से आ गई डीमोनेटाइजेशन के बाद। सर, आप बीजेपी सपोर्टर लग रहे हैं? नहीं, बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ जी, और मैं यथार्थ बता रहा हूँ। कोई मेरी बात को काट के बता दे यहाँ पे, कोई भी है, अगर कोई कांग्रेस समर्थक है तो मुझे यथार्थ काट के बता दे जी, जी। कोई राहुल गांधी का समर्थक है वो भी आके मुझसे बहस कर ले, खुल के बहस कर ले। राहुल गांधी जो है मतलब बकवास करते रहते हैं दुनिया भर का, लेकिन आगे राफाल में मुझसे बात कर ले जी, उनसे ज्यादा जानता हूँ मैं राफाल के बारे में। आप कितने तैयार हैं सर है? इस लोकसभा चुनाव के लिए आप कितने तैयार हैं? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इस लोकसभा चुनाव में मोदी को कम से कम 350 सीटों के साथ जीत के आना चाहिए। Okay. और इस देश की जनता का कर्तव्य है कि इस व्यक्ति को वापस जो है प्रधानमंत्री बनाए और बड़े ही भयंकर बहुमत के साथ बनाए, जिससे कि जो अदालतों में जो नाटक चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो नाटक कर रहे हैं, इन सारे नाटकों को भी खत्म किया जा सके। सर, थैंक यू सो मच। फिल्म को कितने स्टार देंगे? लास्ट 3 स्टार। मुझे फिल्म